किसको पसंद नहीं है, सबको पसंद है। जब भी आता है वो यूं ही खत्म हो जाता है और हम लोग खा के यूं खत्म कर लेते हैं। कभी आपने सोचा वो पिज्जा बैग कैसे बनता है? सोचा है? नहीं सोचा ना, तो आइए हम आपको बताते हैं कि पिज्जा बैग कैसे बनता है। तो लेट्स गो एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो जो पिज्जा बैग होता है उसके पेपर्स ऐसे फॉर्म में आते हैं, सॉरी अगर थोड़ा सा लाइटनिंग इशू होगा, कि उसका पिज्जा बैग की जो कटिंग होती है, जो पेपर आता है वो ऐसे आते हैं। हमको दो पेपर चाहिए होते हैं मर्ज करने के लिए, वो थोड़ा ऐसे आता है। डोमिनोज का होता है, उसमें सिर्फ एक डोमिनोज लिखा होता है, बाकी पेन होते हैं। जो नॉर्मल पिज्जा बैग होते हैं उसमें प्रिंटेड होता है इटालियनो फ्लेवर, ओरिगेनो, हॉट चिली, पिज्जा लवर, जो कि हम लोग हैं। एंड या दिस इज द स्टार्टिंग पार्ट। आपको दो ये पेपर लेने हैं, पिज्जा पेपर का जो बैग होता है उसकी कटिंग्स होती है, आपको ये दो कटिंग्स लेनी है। सबसे पहले यहाँ पे एक लाइन खींची होती है जो मैं दिखा रही हूँ, हर एक पेपर पे खींची होती है इतनी ही, जो जितनी ही लाइन खींची होती है वो मैं दिखा रही हूँ, अपनी तरफ से कोई खींचनी बिछनी नहीं होती। एंड आपको मिलेगा गोंद, अगर आप किसी फैक्ट्री में ये काम करते हो तो आपको फैक्ट्री वाले ही देंगे, नहीं तो अगर आप घर पे भी काम करते हो तो वो भी जो आपको पेपर देगा वो ही आपको गोंद भी दे देता है। एंड या ये जो है यहाँ पे एक लाइन खींची है, ये आपको बताती है कि आपको इतना ही पेपर पहले फोल्ड करना है। तो आपको दोनों पेपर मतलब इकट्ठे करके आपको फोल्ड कर देना, देखो ऐसे, और एक पेपर को थोड़ा आगे खिसका देना ताकि गोंद लगाने में बहुत आसानी हो। थोड़ी सी गोंद लेंगे हम, उसको लगाएंगे। मैंने जो मुझे जो अंकल ने सिखाया था वो ऐसे था कि कॉर्नर पे लगाओ, उसको खींचते हो आगे ले जाओ, बाकी आप जैसे भी लगाते हो तो बता देना आप। ऐसे आपको लगाने की है एंड देन आप उसको सीधा करके अब हम उसको पलट देंगे। अब देखिए ऊपर वाला पेपर उठा के पलट देंगे तो मुड़ा हुआ जो पार्ट है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा। अब इसको हमको बराबर चिपकाना है, एक साइड से आप बिल्कुल अच्छे से बराबर चिपका लेना, मतलब पूरा ही आपको अच्छे से चिपकाना है, एक के ऊपर एक होना चाहिए, ऊपर नीचे बिल्कुल नहीं होना चाहिए। फिर हम इसको सूखने के लिए छोड़ देना है, लेकिन उससे पहले हम बीच वाला जो पार्ट है उठाएंगे एंड वो जो जॉइंट वाला पार्ट है वो मिडल में लेके आएंगे, और अगर वो थोड़ा ऊपर नीचे हो चुका होगा तो हम उसको बिल्कुल ठीक करेंगे ताकि वो बिल्कुल एक बराबर रहे ऐसे। देन हम उसको फिर से बराबर करेंगे कि नीचे वाला पेपर ऊपर वाले पेपर का कट एक दूसरे के ऊपर हो, देन उसको हम साइड से मोड़ देंगे यहाँ से। ये देखो ये बराबर होना चाहिए, जो उसको कोना है एक दूसरे के ऊपर होना चाहिए। हम इसको मोड़ के बिल्कुल प्रेस कर देंगे अच्छे से, ये आप बिल्कुल सूखने के बाद भी कर सकते हो। बट पेपर कभी ये कुछ पेपर्स हैं जो मिडल पार्ट में करके सुखाए गए हैं, क्योंकि आगे का प्रोसीजर सुखाने के बाद ही होता है, तो ये कुछ ऐसे दिख। A few inches later. अब हम आते हैं एक्चुअली में कि बैग कैसे बनाते हैं। तो ये सूखने के बाद वाला प्रोसीजर है, ठीक है, ये अच्छे से सूख गया, ड्राई हो गया है तभी बनता है। एंड अगर कुछ गोंद की वजह से चिपक गए पेपर आपस में तो हम इसको ऐसे ही इसको मतलब खोल देते हैं। आपका जो मिडल वाला पॉइंट है, जॉइंट वाला पॉइंट है, हम इसको पहले उठाएंगे, देन इसको आपकी मर्जी लेफ्ट की तरफ हाफ मोड़ना या राइट की तरफ, आपकी टोटली इज अप टू यू। इसको हाफ मैंने मोड़ा, एक के ऊपर एक होना चाहिए याद रखिएगा। देन इसको मैंने जहाँ पे हाफ मोड़ा है उसके ऊपर प्रेस कर दिया पूरा, आप इसको घर पर भी बना के बेच सकते हैं। देन ये जो उसका जो दूसरा वाला कॉर्नर है उसका हाफ, दोनों के जो हैं आपको हाफ हाफ मोड़ना है, जैसे मैंने दिखाया है, इसको मोड़ के दोनों एक दूसरे के ऊपर होने चाहिए। देन इसको आपको प्रेस कर लेना है, टू बी मेंशन कि आपको एक दूसरे के ऊपर ही रखने हैं, ऐसे हाफ हाफ फोल्ड हो जाएंगे सब। इस तरीके से आपके चार किनारे बन जाएंगे, दो बेस हो जाएंगे और दो साइड में मुड़ जाएंगे, समझ गए आप। देन यहाँ पे क्वालिटी पे एक लाइन खींची हुई होती है जो कटिंग के टाइम ही, प्रिंट के टाइम ही खींच दी जाती है, ताकि सामने मोड़ने वाले को पता चल जाए कि कितना मोड़ना है, नहीं तो ऊपर नीचे मुड़ सकता है।
यहाँ क्वालिटी के यहाँ पे एक लाइन खींची हुई होती है, मैं आपको दिखा भी रही हूँ, आई गेस दिख नहीं रही है आपको, इसको ऐसे ही मोड़ना है, क्योंकि आप इसको हल्का सा मोड़ोगे ना वो सारी जहाँ पे उन्होंने लाइन खींची हुई होती है पेंट की वो अपने आप ही मुड़ जाती है। यह आपका इतना पार्ट मुड़ गया, ये वो वाला पार्ट है जहाँ पे हैंडल लगेगा इसलिए इसको मोड़ा जाता है। अच्छे से इसको मोड़ना है आपको, देन इसके साइड में ये देखो कॉर्नर बने हुए हैं, यहाँ पे अपने दोनों हाथ आपको करने हैं, डालने हैं, देन ये देखिए फूल की तरह खिल जाएगा, जो भी फूल की तरह खिल जाएगा, चार कॉर्नर निकल के आ जाएंगे, 1, 2, 3 एंड 4, ये चार कॉर्नर आपको प्रेस करना है। यहाँ पे आपको प्रेसिंग के लिए भी एक लाइन बताई गई है कि आपको इतना ही तक फोल्ड करना है, इससे बाहर आपको नहीं ले जाना। अगर बाय चांस आपको मोड़ देता हूँ ऐसे कोई क्रीच बन गई तो आपको हाथ से उसको सही कर लेनी है। मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगी भी कि यहाँ पे एक लाइन बनी हुई है, आपको वहीं तक ही फोल्ड करना है जहाँ पे मैंने फोल्ड किया है, यहीं पर एक लाइन बनी हुई है, आपको उतना ही मोड़ना है, उससे बाहर नहीं ले जाना है। ये देखिए मैं ये दिखा रही हूँ लाइन, मेरा थोड़ा बाहर चला गया तो देन ये देखो ये पूरा लाइन पे ये बाहर नहीं गया, सॉरी ये पूरी लाइन पर ही होना चाहिए, उससे बाहर नहीं जाना चाहिए। जो लाइन आपको दिख रही है हम इतना ही फोल्ड करेंगे, ये देखो ये जो दिख रही है हल्की हल्की आपको, इतनी हम इसको अच्छे से प्रेस करेंगे, पेपर फटना नहीं चाहिए। ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कभी कभार, आपको इसमें ऐसे ठीक करना भी पड़ता है। देन ये जो दो कॉर्नर है इसको पहले हम लोग फोल्ड करेंगे, बाद वाले बाद में करेंगे, पहले ये वाला फोल्ड होगा। यहाँ पे भी आपको लाइन खींची हुई दिख रही है, ये री आपको इतना ही पार्ट मोड़ना है, ये देखो दिख रही है आपको हल्की हल्की, ये री इतना ही पार्ट आपको मोड़ना है, पहले ये वाला पार्ट मोड़ा जाएगा। मोड़ दिया, आप सामने वाला पार्ट मोड़ेंगे, उसके ऊपर हम लोग गोंद लगाएंगे, लेकिन उसके लगाने के बाद जो बाकी के दो बचेंगे उसमें से किसी भी एक कॉर्नर पे आपको गोंद लगा देनी है ऐसे। देन ये वाला जो कॉर्नर है जो मोड़ा जाएगा इसके ऊपर भी हम लोग को गोंद लगानी है ताकि अच्छे से जुड़ा रहे, सपोर्ट रहे। इसको भी इतना ही मोड़ेंगे जितनी लाइन है, देखो ये मैंने थोड़ा सा बाहर कर दिया था लाइन से तो ये फोल्ड होने में दिक्कत दे रहा था, अब मैंने इसको लाइन से बिल्कुल ठीक किया है तभी आसानी से मुड़ जाएगा। ऐसी प्रॉब्लम होती है इसलिए वो लाइन खींची जाती है, क्योंकि जब मोड़ोगे ना तो पेपर आधा मुड़ता है आधा वो लाइन पे रहता है। देखिए अभी कितनी प्यार से अच्छे से मोड़ा, मोड़ दिया अब आपने, अब आपके बाकी के दो कौन आपके बाकी के दो मोड़े जाएंगे, इस पे भी लाइन बनी हुई होती है उतना ही पार्ट हमको मोड़ना है। याद रखिएगा कि सब पार्टों पे लाइन बंधी हुई है वो ही पार्ट आपको मोड़ना है। ये मोड़ दिया हमने अच्छे से बिल्कुल, ये हमारा बैग का आदि आत्मा घुस चुकी है। अब हमको हैंडल भी लगाना है क्योंकि कैरी बैग हम गोद में उठा के तो लेके जाएंगे नहीं पिज्जा का, अब हम इसमें हम लगाएंगे हैंडल। ये कुछ ऐसा दिखता है, अभी पूरा नहीं हुआ, अभी बॉडी में जान डालनी जरूरी है, अभी हम इसमें लगाएंगे हैंडल। तो इसके साथ आपको हैंडल पे मिलते हैं, ये दो हैंडल होते हैं, हम इसको ग्लू के साथ चिपकाएंगे, अब हम इसमें लगाएंगे ग्लू। अब हम लगाएंगे ग्लू 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 ग्लू। आपको अगर चैनल आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना चैनल को, क्योंकि मैं बहुत बारी बोल रही हूँ आप नहीं कर रहे, प्लीज़ 302 सब्सक्राइबर हो गए हैं, जल्दी से 1000 करा दो। और क्या मांगते हैं हम आपसे, YouTube भी हमसे यही मांगता है, हम अभी आपसे यही मांगते हैं। अब गोंद लगा दी, अब हम इसके लगाएंगे जो फोल्डेड वाला पार्ट है उस पे नहीं, उसके जो बाकी प्लेन वाला पार्ट दिख रहा है आपको उस पार्ट पे हम लोग लगाएंगे।
ये तो जो फर्स्ट वाली होती है आप कहीं पे भी लगा दो, मतलब मिडल में लगानी है, इसमें कोई इतना अल्गोरिथम नहीं देखा जाता। बट जो दूसरी वाली लगाओगे ना, उसके हैंडल एक दूसरे के ऊपर होने चाहिए, वरना आपका टेढ़ा बैग होगा, पिज्जा आपका बाहर गिरने को हो जाएगा। अगर आपके नियर बाय कोई फैक्ट्री है, जैसे मेरे अंकल की फैक्ट्री है, वो क्या करते हैं, ये थैले बैग बनवाते हैं, तो ये थैले उठा के बाहर भी दे देते हैं, वो बल्क में ले लेता है, वो मतलब अपने एरिए में बांटता है, उससे पैसा कमाता है। जैसे अंकल उसको कितने भी आप पे देते होंगे, 1000 बैग के हिसाब से, तो वो उसे कुछ कम प्राइस करके ही लेता है। अगर आप ऐसे कोई बिजनेस भी करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। एंड देन हमारा कैरी बैग रेडी है, ये